हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर बनाए जाने वाले इस नए एक्सप्रेसवे का काम देखकर आपका मन प्रसन्न होने वाला है। क्योंकि यहां पर वैसे भी अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे आपको दिख ही रहा है वेलकम टू UER2। इसका मतलब यह है कि इस UER2 पे बीते पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और आज का ये अपडेट देखने के बाद तो आपका मन सच में प्रसन्न होने वाला है। और क्या है ये UER2, जरा इस पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका काम देखोगे तो और भी मजा आएगा। एक्चुअली ये जो UER2 बना रहे हैं ना भाई, ये दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है। एक पूरा एक नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जिसकी मदद से होगा यूं कि आप ये जो NH44 देख रहे हैं ना, इस जगह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। वैसे मैं 30 मिनट ज्यादा बोल रहा हूं आपको, 30 मिनट से कम में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा ये जो हिस्सा है जो NH44 अलीपुर से स्टार्ट होता है, जिसे कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड भी कहते हैं, दिल्ली पानीपत रोड भी कहते हैं, और जो जाकर मिलेगा शिवमूर्ति महिपालपुर के पास एयरपोर्ट के पास, ये है तो सिर्फ 30 किलोमीटर का। और इस 30 किलोमीटर हिस्से पे स्पीड लिमिट जो NHI आपको ऑफर करेगी वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, एक एक्सप्रेस लेन बनाया जा रहा है उनके लिए जिनको भाई सीधा कनेक्ट करना है एयरपोर्ट से चंडीगढ़ रोड पे, या चंडीगढ़ रोड से सीधा कनेक्ट करना है एयरपोर्ट पे, तो उनके लिए। और आसपास के ट्रैफिक के लिए सर्विस रोड बना रहे हैं और साइकिलिंग के लिए भी जगह दे रहे हैं, वॉक करने के लिए भी जगह दे रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली मास्टर प्लान का ही हिस्सा है और उसी हिस्से के अंदर ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अभी तो ये UER2 है, दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत UER1 भी आना है, वो भी जैसे ही आएगा आपका भाई उसका कंस्ट्रक्शन का काम दिखाएगा। अब आप पूछोगे भाई ये दिल्ली मास्टर प्लान क्या है, तो दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के ऊपर आपके भाई ने एक डिटेल पॉडकास्ट किया था, उसको अगर नहीं देखा है तो भाई जाकर देख सकते हो आप। लेकिन अगर समराइज अगर आपको मैं बता दूं तो दिल्ली मास्टर प्लान भारत सरकार की एक परियोजना है जिसमें ये जो जितनी खाली जगह देख रहे हो दिल्ली की, इस जगह पर अब भारत सरकार सब कुछ प्लान करके बना रही है। यानी कि यहाँ पर रोड भी प्लान करके बना रही है, यहाँ पर सेक्टर भी प्लान करके बना रही है, यहाँ पर ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान करके बना रही है। क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि ये जो पूरा हिस्सा दिल्ली का जो रिमेनिंग रह रहा है, जहाँ पर ये खाली जो जगह है, इसको ग्रेटर दिल्ली बनाया जाएगा, जहाँ पर सब कुछ प्लान करके होगा और उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही इस UER का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी जगह पर पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से अगस्त के बाद, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, अगस्त के बाद से आप 30 मिनट में NH44 से, यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड से आप पहुंच जाओगे एयरपोर्ट को, और यही आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपको क्या मिलेगा, आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बनाया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के देखने को मिलेगा ग्राउंड अपडेट, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कितना काम हुआ है, जिससे आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आपको किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी भी तो जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है NH44 के ऊपर, और वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आप बोलोगे कि भाई ये दिल्ली में अलीपुर के पास जो स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली किस जगह पर हो रहा है, तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, नीट दिल्ली, ये लोकेशन पे सेव कर लो, स्क्रीन पे भी लोकेशन दे रहा हूँ, यहीं पर ये स्टार्ट हो रहा है अलीपुर के साइड में, दिल्ली वाले हिस्से पे। अब आप पूछोगे कि जाएगा कहाँ तक, तो भाई सीधा एयरपोर्ट जाएगा ये। जी, यहाँ से एयरपोर्ट तक ये पूरा बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वैसे भी नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि अगले 2-3 महीनों में इसको स्टार्ट कर ही देंगे, तो इसीलिए आज आपका भाई आपको लेकर आया है और दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। और सबसे पहले जहां से ये स्टार्ट हो रहा है अलीपुर के पास,
तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, इस बिल्डिंग के पास से ही स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है ये, और इसी आइकॉनिक बिल्डिंग के पास से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसी जगह से हम और आप स्टार्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो इस जगह पर आपको देखेगा मेरे भाई कि यहाँ पर बनाया जा रहा है अंडरपास भी, और यहाँ पर बनाया जा रहे हैं ढेर सारे एलिवेटेड पार्ट भी। एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आता है जब आप आते हैं टुवर्ड्स दौलाकुआं की तरफ से, और इस तरफ ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये आता है जब आप आते हैं पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से। तो ये हिस्सा है, ये वो रोड है चंडीगढ़ की तरफ से जब आप आएंगे। तो पहले बात दिल्ली वाले हिस्से की कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो दो एलिवेटेड पार्ट है, जब आप टुवर्ड्स इस तरफ से आएंगे धौलाकुआं की तरफ से, या फिर अगर आप आते हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक की तरफ से, जहांगीरपुरी की तरफ से, तो आप इस एलिवेटेड पार्ट को होते हुए कनेक्ट कर जाएंगे UER2 को, और इस तरफ एयरपोर्ट को जा सकते हैं। और जो लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर से आएंगे, वो लोग ये जो हिस्सा देख रहे हो अंडरपास का, इसकी मदद से UER2 पे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मेजर काम अगर आपको देखने को मिलेगा तो अंडरपास के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अंडरपास जो बनाया जा रहा है भाई, वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे के ऊपर बनाया जा रहा है, और ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट करके बनाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो अंडरपास को बनाने में ही लगती है, और खर्चा भी अंडरपास को बनाने में सबसे ज़्यादा आता है कंपेयर टू एलिवेटेड पार्ट के, या अंडरग्राउंड कोई भी सेक्शन आप बनाते हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है उसको देखना पड़ता है। तो टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अंडरपास में दिखेगा कि जो कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम चल रहा है एक हिस्से पे। जैसे ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर ये जो ट्रैफिक देख रहे हो जिसको डाइवर्ट किया गया, ट्रैफिक इसके ऊपर से जाएगा, और उसके बाद जो आगे का हिस्सा है अंडरपास का उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इसी वजह से ये JCB जो मशीन आप देख रहे हो ना, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मिट्टी को निकाला जा सके और उसके बाद यहाँ पर वॉल तैयार किया जा सके कंक्रीट का, और उस कंक्रीट के वॉल के ऊपर फिर यहाँ पर रूफ तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से अंडरपास का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और उसी की तैयारी की जा रही है। रही बात यहाँ पर जितने भी एलिवेटेड हिस्सा आप देख रहे हैं, दो जो कि आपको दिल्ली के लिए मिलेगा, और एक ये वाला जो देख रहे हो, ये जब आप UER2 से एग्जिट लेकर आगे जाएंगे ना चंडीगढ़ के लिए, तो उसके लिए है ये हिस्सा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर तो अब ब्लैक टॉप का काम किया जाना है, यहाँ पर लेन बनाने का काम किया जाना है। और वहीं आप UER2 की तरफ चलेंगे तो आपको देखेगा कि ये जो फ्लाईओवर का रैम का हिस्सा ना मेरे भाई, वो बनकर जहां पर तैयार हो चुका है, तो उस जगह पर ब्लैक टॉप का काम कर दिया जा चुका है। अब लेन मार्किंग की तैयारी की जा रही है, और अच्छी बात यह कि स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया जा चुका है। और वहीं अंडरपास के रैम्प वाले हिस्से पे भी देखोगे तो वो भी बनकर तैयार हो चुका है, स्टील का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं जिसकी मदद से यहाँ पर रूफ तैयार करेंगे अंडरपास के ऊपर। यहाँ पर जो टीम काम कर रही है उनका ये कहना है कि भाई हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले एक महीने के अंदर यहाँ पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दे, यानी कि जो लोग आगे यहाँ से नरेला जाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं भाई बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को, तो वो जा सके इस इंटरसेक्शन को यूज़ करके। तो इसी वजह से हमारी पूरी कोशिश है कि अगले एक महीने तक हम इस इंटरसेक्शन को स्टार्ट कर दें, और शायद आप और हम जब इसका अगला अपडेट देखें तो हमें और आपको दिखेगा कि इसका जो इंटरसेक्शन है, खासकर जो NH44 से स्टार्ट हो रहा है, उस पर ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। और फिर जब इस सेक्शन से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको देखेगा कि ये जो UER2 है, इसे दो हिस्सों में डाइवर्ट किया गया है, एक जो कि एक्सप्रेस लेन है और एक है सर्विस रोड। ये जो एक्सप्रेस लेन है यही आपको मदद देगा तय वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचने में, क्योंकि लोकल ट्रैफिक के लिए इन्होंने सर्विस रोड दिया है और एक्सप्रेस लेन दिया है उनके लिए जिनको बीच में कहीं भी रुकना नहीं है, सीधा आगे जाना है एयरपोर्ट को, तो वो एक्सप्रेस लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे की तरफ जा सकते हैं। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको दिखेगा कि एक्सप्रेस लेन के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर जो सर्विस रोड है उसके ऊपर भी काम हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एक बोर्ड भी दिखेगा जिस बोर्ड पर लिखा है UER2 पे आपका स्वागत है। तो ये है भाई UER2 का मेन कैरेज वे, यानी कि एक्सप्रेस लेन, उनके लिए जिनको सीधा NH44 से जाना है
एयरपोर्ट को, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लेन का है ये, बनकर तैयार हो चुका है। लेन मार्किंग का भी काम कर दिया जा चुका है। स्ट्रीट लाइट की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी, स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। बीच में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है स्टील का, जिसकी मदद से एक सेफ्टी मिल जाती है। तो यहाँ पर बीच में दिया है ड्रेनेज सिस्टम, ताकि मेन कैरेज वे का जो बारिश का पानी है वो इसमें आकर गिरे, और सर्विस रोड का जो पानी है वो जाएगा दूसरे ड्रेनेज सिस्टम में, उधर भी बनाया गया। बीच में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम दिया, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कोई भी कहीं से भी इंटर नहीं कर सकता है। ना तो सर्विस रोड का बंदा मेन कैरेज वे पे आ सकता है, और ना मेन कैरेज वे का बंदा सर्विस रोड पे आ सकता है। जहाँ पर एक्सेस पॉइंट दिया गया वहीं से आ सकता है। तो इससे क्या है ना कि ट्रैफिक मूवमेंट में स्लो डाउन जो होते हैं ना वो नहीं होंगे। और जैसे ही इस सर्विस रोड पे दिखाऊं, तो सर्विस रोड पे भी भाई अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर भी 3 लेन का सर्विस रोड दिया गया है, ये लोकल ट्रैफिक के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वॉक करने के लिए भी जगह दी गई है, और साइकिलिंग ट्रैक भी है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आप साइकिलिंग ट्रैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये वॉक करने की जगह है, और अच्छी खासी जगह दी गई है। और इसके बगल में ये जो जगह देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो, ये भी NHAI का ही है भाई, लेकिन इन्होंने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है कि अगर मान लो एक और सर्विस रोड देना हुआ तो दिया जा सकता है। तो मेन कैरेज में तो 6 लेन का आपको दिख जाएगा, और जो कि 3 लेन ईस्ट साइड का है, और सर्विस रोड भी अच्छा खासा स्पेशियस है अभी। उस बोर्ड से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्शन दिखेगा, एक इंटरचेंज का हिस्सा दिखेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ से आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पर भी कनेक्ट कर सकते हो, और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से भी लोग UER2 को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये इंटरसेक्शन पूरा बनाया गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ये दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है, तो इसी वजह से बहुत प्लान करके इसको बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक भी आपको दिखेगा, वॉक करने के लिए जगह भी आपको दी जा रही है, और तो और हर महत्वपूर्ण जगहों पर इंटरचेंज भी बनाया जा रहा है। और सिर्फ यहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा नहीं, अंडरग्राउंड का भी हिस्सा दिखेगा, ताकि ट्रैफिक के फ्लो में कोई भी दिक्कत ना आए आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी। इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ्लाईओवर का हिस्सा भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अंडरपास का भी हिस्सा दिया गया है, जिसकी मदद से आप एग्जिट ले सकते हैं, और वही यहां पर निर्माण किया जा रहा है। एलिवेटेड हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है इंटरचेंज का, और अंडरपास का भी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, और देखने में वाकई में ये बहुत बहुत कमाल का है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अगेन आपको दिखेगा कि हाईवे का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कनाल भी आपको दिखेगा, जो कि कनाल यहाँ पर तो पहले से एग्जिस्टिंग है, कनाल के ऊपर सर्विस रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। मेन कैरेज वे बनकर तैयार हो चुका है, एक्सप्रेस लेन बनकर तैयार हो चुका है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई गर्डर्स दिख रहा है, जिसके ऊपर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। और जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे इस कनाल से, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी हाईवे का पार्ट ही है। अब ये भाई जहां पर अंडरपास ये जो दिख रहा है, एक्चुअली ये है अलीपुर नरेला रोड। अब देखो अलीपुर नरेला रोड को जो लोग यूज़ करेंगे उनके लिए अंडरपास बनाया गया है, ताकि एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर गाड़ियां जो हैं वो निकल जाए। अंडरपास पिछले अपडेट में जहां पर बनाया जाना था, मेरे भाई आज अगर देखोगे तो ये अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है जी। सिर्फ इस पे लेन बनाने का काम करना है, और उसके बाद फिर इस अंडरपास को ओपन कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से अभी जो गाड़ियां देख रहे हो, जो ट्रैफिक का मूवमेंट जो देख रहे हो, जो कि डाइवर्ट किया गया है, वो फिर एज इट इज इस रोड पे हो जाएगा, यानी कि इस अंडरपास को इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ चला जाएगा।
और जैसे ही इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे अलीपुर नरेला रोड को, तब तो एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पर आपको UER2 का असली जो पावर है, असली जो स्ट्रेंथ है ना, वो देखने को मिलता है। इस जगह पर चाहे वो सर्विस रोड हो या मेन कैरेज वे, सभी के सभी पिलर के ऊपर दिखेंगे, फ्लाईओवर के ऊपर दिखेंगे। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये ROV है दोस्तों, रेलवे लाइन को UER2 क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से आपको इतना सारा लेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस रेल ओवर ब्रिज का यानी कि फ्लाईओवर का रैम्प का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस पे तो लेन भी बना दिया जा चुका है, लेन मार्किंग की तैयारी की जा रही है। और नीचे अभी अगर आप देखोगे तो इसके नीचे भी यू टर्न लेने के लिए लेन बनाया गया है। और अभी फिलहाल इसी यू टर्न को इस्तेमाल करते हुए अलीपुर नरेला रोड का जो ट्रैफिक है वो आगे की तरफ जा रहा है। और अभी इस ROV के ऊपर अगर आप पूछोगे कहाँ पर काम चल रहा है, तो ठीक रेलवे लाइन के ऊपर काम चल रहा है भाई, और वो भी इसके सर्विस रोड पे। ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ये सर्विस रोड का पार्ट होने वाला है, ब्लैक जो दिख रहा है ना वो मेन कैरेज वे है। और रेलवे लाइन जैसा कि मैंने आपसे कहा इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे है, और यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे की ट्रेन भी दिख जाएगी। और जैसे ही रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाओगे तो फिर ये फ्लाईओवर का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ये ROV का जो हिस्सा है। और इस पर भी दिखेगा कि रैंप के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, सिविल वर्क का जो काम है मेरे भाई, वो हो चुका है। इस जगह पर दृश्य सच में कमाल का है। और इसके बाद अगेन आपको एक रोड मिलेगा। तो जैसे अलीपुर नरेला रोड पे आपने देखा कि उस रोड को इस्तेमाल करने के लिए ट्रैफिक के लिए वहां पर अंडरपास का निर्माण किया गया है, ठीक आगे ये जो रोड देख रहे हो इस रोड पे भी अंडरपास ही होगा मेरे भाई। तो इस रोड को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अंडरपास की मदद से आप जा सकते हो। इस पे ट्रैफिक का लोड बहुत कम हो जाएगा इस रोड पे, क्योंकि जैसे ही UER स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इतनी गाड़ियां जो आप देख रहे हो ना इस रोड पे वो आपको नहीं दिखेंगी। फिर तो लोग इस नए बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे कि कहते हैं मेरे भाई UER। और ये दिल्ली मास्टर प्लान का बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आगे आपको दिखेगा एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए इस इंडस्ट्रियल एरिया के पास चलते हैं, और आपको यहाँ पर इंडस्ट्री भी नजर आएगी। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया चलते हैं मेरे भाई। अब भाई ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर जो इंटरचेंज ये बनाया जा रहा है, इंटरसेक्शन ये जो बनाया जा रहा है, ये एक्चुअली बनाया जा रहा है ताकि अब भवाना इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट कर सको, और उसी की वजह से ये पूरा हिस्सा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भी एलिवेटेड हिस्सा आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है, और उसके रैंप वाले हिस्से पे आपको दिखेगा जो कि ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया गया है, और इस जगह पर लेन मार्किंग का जो काम है वो किया जाना है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो नीचे जो हाईवे का पार्ट है वो तो बनकर तैयार भी हो चुका है। और अच्छी बात ये भी है दोस्तों, यहाँ पर जो अंडरपास बनाया जाना है, अंडरपास का जो रैंप का हिस्सा होने वाला है वो तो बनकर तैयार भी हो चुका है, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो रूफ वर्क का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। ये देखिए ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये अंडरपास है मेरे भाई, और अंडरपास का हिस्सा यहीं से स्टार्ट होता है, अंडरपास का रैंप का हिस्सा है। और अभी तो अंडरपास के ऊपर ये जो हिस्सा देख रहे हो इस पर भी फ्लोरिंग वर्क का काम कर देंगे, तो कुछ दिनों बाद ये भी आपको नहीं दिखेगा। और इसी तरफ ये आगे जाता है जहाँ पर आपको कनेक्ट कर देगा ये भवाना इंडस्ट्रियल एरिया से, और इसी तरफ
आपको दिखेगा कि ये जो एलिवेटेड पार्ट का जो रैम का हिस्सा है वो बनाया गया है और जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। और एक्चुअली इधर से ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये जो निकल रहा है, तो ये आपको सोनीपत स्पर को भी लेकर जाएगा। जी सोनीपत, मैं आपने नाम तो सुना ही होगा, वहाँ पर भी जाएगा ये, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। चलिए इसी तरफ ये हिस्सा इसका जा रहा है यूईआर का, और हम और आप भी इसी तरफ चलते हैं। और इस हिस्से के बाद जब आप चलोगे ना मेरे भाई, फिर आपको कमाल देखने को मिलेगा। और कमाल इसलिए देखने को मिलेगा कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर ज़्यादातर है हाईवे का पार्ट, और जिस हाईवे के पार्ट के ऊपर लगभग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। तो चलिए चलते हैं और देखते भी है, और इस पर तो ट्रैफिक का मूवमेंट भी हो रहा है, और देख कर बहुत कमाल का लग रहा है ये। वैसे यहाँ पर हाईवे वाले पार्ट पे कोई मेजर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रह रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो वो दिखेगा कि यहाँ पर लेन मार्किंग का थोड़ा सा काम रह रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि स्ट्रीट लाइट का भी थोड़ा सा काम रह रहा है। जी क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी लगाना है, मेजर जगहों पर तो हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट का काम रह रहा है। और तो और यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगाए जाने थे, जो साइनेज लगाए जाने थे, वो सभी लगा दिए जा चुके हैं, उनका भी इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये हाईवे का पार्ट देखकर सच में दिल प्रसन्न हो गया मेरे भाई। दूसरा मेजर काम आपको जैसे ही बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के आगे वाले हिस्से पे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, जो कि कनाल के पास किया जाना है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो कनाल है, इस जगह पर लेन बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। सर्विस रोड के ऊपर, मेन कैरिजवे के ऊपर तो हो चुका है, इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर सर्विस रोड का जो हिस्सा है वो तैयार किया जा रहा है कनाल के ठीक ऊपर। और वही करते हुए आपको यहाँ पर टीमें भी नज़र आ जाएगी, और इनफैक्ट यहाँ पर इस वक्त पे आपको टीम नज़र आ रही है जो कि लेन बनाने का काम भी कर रही है कनाल के ठीक ऊपर। ये देख रहे हैं ब्लैक टॉप का, ये देखिए ये है पैकेज वन, जिस जगह पर HG इंफ्रा काम कर रही है, और ये कंपनी वाकई में बहुत तेज़ी के साथ काम करती है। मैंने इसका काम देखा भी है सोना एलिवेटर रोड के पैकेज 2 पे, और इस जगह पर भी देखने को मिल रहा है। इनकी मशीनरी इतनी अच्छी होती है कि एक ही बार में ये पूरा का पूरा लेन बना देते हैं, चाहे वो 2 लेन हो, 3 लेन हो या 6 लेन हो, एक बार में बनाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब ड्राइव करते हो तो आपको पूरी स्मूथनेस मिलती है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सोनीपत स्पर, यानी कि सोनीपत से जो एक रोड आ रहा है जो कि UER2 पे आकर कनेक्ट करेगा, या फिर UER2 से जो रोड बन रहा है जो कि सोनीपत को आपको कनेक्ट करेगा, वो यहीं से स्टार्ट होता है। सामने ये जो हिस्सा देख रहे हैं एलिवेटेड पार्ट का, जो कि बनकर तैयार हो चुका है, और सामने इस जगह पर दृश्य बहुत बहुत कमाल का है। जी इसी जगह से UER2 पे आप कनेक्ट करेंगे जब सोनीपत से आएंगे, तो ये हिस्सा जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हरियाणा के सोनीपत से जब लोग आएंगे तो उनके लिए एक और ऑप्शन हो जाएगा इस UER2 पे कनेक्ट करने के लिए, इस स्पर के बन जाने के बाद। लगभग ये स्पर बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ से भी आप बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट कर सकते हो। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस जगह पर व्हीकल का मूवमेंट जरा देखिए, आप कितने सारे व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं। और इस तरफ अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप सीधा यहाँ से सोनीपत को जा सकते हैं। जी यहीं से वो रास्ता है जो कि सोनीपत को कनेक्ट करता है, जिसका हिस्सा RKC कर रही है, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। और ये हिस्सा भी देखकर आपका मन प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम जो हो चुका है।
रोहिणी हेलीपैड वाले हिस्से से जब आप आगे आओगे ना भाई, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो आप एलिवेटेड पार देख रहे हैं ना, जो बवाना रोड के ऊपर बनाया गया है, इसी हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है वो सिर्फ बवाना रोड के ऊपर ही आपको दिखेगा कि फ्लाईओवर के ऊपर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। अदरवाइज इसके दोनों तरफ रैंप वाले हिस्से पे देखोगे जो फ्लाईओवर का है वो बनकर तैयार हो चुका है। चाहे अगर आप जाएं कंझावला रोड की तरफ या फिर अगर आप जाएं इस तरफ रोहिणी हेलीपैड की तरफ, ये पूरा का पूरा हिस्सा बनकर तैयार है भाई एलिवेटेड पार्ट का। और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगली बार जब इसका अपडेट दूंगा, यानी कि ठीक है आज से एक महीने बाद, तो इस हिस्से को हम और आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं और ये महीने दिन के अंदर तो कर ही लेंगे, क्योंकि जो भी मेजर काम है वो तो भवाना रोड के ऊपर ही करना है इनको। चलिए अब ज़रा कंझावला रोड के ऊपर देखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मेजर स्ट्रक्चर आएगा, जो फ्लाईओवर का हिस्सा आएगा, वो कंझावला रोड के ऊपर ही आएगा। उसके पहले तो पूरा हाईवे का पार्ट है, वो भी आपको दिखाऊंगा ड्रोन की मदद से। तो चलिए चलते हैं सीधा कंझावला रोड पे। लो भाई, हम और आप पहुंच चुके हैं कंझावला रोड के ठीक ऊपर। और ये जो कंझावला रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना था फ्लाईओवर बनाने का, भाई आपको दिखेगा कि जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लैकटॉप का भी काम कर दिया भाई। जी बिल्कुल सही सुना आपने, इस तरफ ये जो हिस्सा देख रहे हो इसी तरफ से हम और आप होते हुए आए हैं, जो कि अलीपुर से आए थे, दिल्ली चंडीगढ़ रोड से आए थे। और इस तरफ जो हिस्सा है इसका, ये जो आप देख रहे हैं यही आगे जा रहा है एयरपोर्ट को, और यहाँ से ये ग्रीन फील्ड का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये पूरा नया अलाइनमेंट है, पूरा नया रूट है जिसके ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और ये पैकेज 2 का है। तो यहाँ पर ये जो नीचे आ रहा है ना हाईवे का पार्ट, यहाँ तक का हिस्सा जो है वो स्टार्ट कर देंगे अगले महीने तक। यहाँ तक का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर ये जो रोड देख रहे हो यहाँ पर अच्छा खासा जो काम है वो किया जाना है। लेकिन इस पर भी टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ग्रीन फील्ड का पार्ट है। इस हिस्से का अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर देखोगे तो इस ड्रोन के कैमरे के लेंस पे सनलाइट आ रही है जिससे क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आपको जो दिखाता हूँ वो इस तरफ का दिखाता हूँ। जरा एक बार फिर से चलते हैं कंझावला रोड के ऊपर, और भाई क्या नज़ारा है यहाँ पर, मज़ा ही आ गया यार। बस यहाँ पर लेन मार्किंग का काम करना है और स्ट्रीट लाइट लगाना है। और इस कंझावला रोड से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस UER2 को। जी इंटरचेंज यहाँ पर भी है मेरे भाई, यहाँ से भी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, और तो और एग्जिट भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो स्लोडाउन यहाँ पर दिख रहा है इस रोड के ऊपर, ये मैं कहूँगा कि कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा हिस्सा यहाँ पर UER2 का, तो उसके बाद तो फिर ये जो स्लोडाउन आपको दिख रहा है ना ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी जिसको स्ट्रेट जाना है या जिसको लेफ्ट जाना राइट जाना सब एक ही रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों बाद यहाँ पर सर्विस रोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा लोगों को, जिसको आगे जाना है उसको भाई एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक तरह से बोलूँ तो स्लो डाउन बहुत हद तक कम हो जाएगा, और वही आपको यहाँ पर कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा, आज तो नहीं। लेकिन बहुत जो खुशी की बात ये है, जो मुझे अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, वो ये देखकर, पिछले अपडेट का जरा आपको एक झलक दिखाऊं, तो भाई देखो उस वक्त पे कुछ ऐसा नज़ारा था। आज तो देखोगे तो भाई लेन भी बना दिया, साउंड बैरियर्स भी लगा दिए, और यहाँ पर अब लेन मार्किंग का जो काम है वो किया जाना है। ये हुई ना बात NHI, ये होता है काम भाई, और इसे कहते हैं तेज़ी के साथ काम करना। वैसे अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये जो पूरा अलाइनमेंट है आपको दिखेगा जो कि बनाया जा रहा है UER2 का, इस पर फिलहाल सर्विस रोड पे आपको 3 लेन मिल रहा होगा, कई जगह पे 4 लेन भी है,
लेकिन इसको सिक्स लेन भी कर सकते हैं। तो ये जो वॉल देख रहे हो ना, यहाँ तक इनकी लैंड है NHI की दोनों तरफ जी। और अच्छी बात यह है कि NHI वॉल भी दे रही है जहाँ तक इनकी लैंड है। तो और इसी तरफ आगे जाओगे तो हेलीपैड का हिस्सा है, जिस तरह से हम और आप आए थे। इस तरफ सनलाइट नहीं आ रही है लेंस पे कैमरे के, तो इसमें से बहुत कमाल का आपको यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। इसी वजह से मैंने बोला है कि दूसरे हिस्से का काम जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन ज़रा ये नज़ारा देखो भाई, सोचो जब यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा, और इनफैक्ट ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, इस पूरे हिस्से पर जब आपको दिखेगा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नए नए सेक्टर्स, नए नए फार्म हाउस, हॉस्पिटल, तो भाई कमाल होने वाला है सच में। और ये देखो, एक और उदाहरण दिखाता हूँ आपको, ये देखोगे बेसिकली तो भाई ये है सर्विस रोड, और सर्विस रोड के बीच में ये जो जगह देख रहे हो ये भी NHI की है। ये जब भी चाहे NHI इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकती है। और ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो जब भी आप इस पर ट्रेवल करो और जहाँ तक वॉल दिख रही है ना, वहाँ तक समझ जाना कि NHI की ज़मीन है। और भाई NHI जब भी चाहे, जब भी उनको लगेगा कि इसमें और भी लेन ऐड करने चाहिए सर्विस रोड पे, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर मास्टर प्लान के हिसाब से शहर बसेगा तो लोड तो बढ़ेगा ही भाई एक्सप्रेसवे पे, तो इसीलिए पहले से इन्होंने प्रोविज़न कर लिया है। क्योंकि आज से 20-30 साल बाद तो NHI को यहाँ पर ज़मीन नहीं मिलेगी, मतलब मिलेगी इतनी कॉस्टली होगी कि उसने में तो वो एक नया एक्सप्रेसवे बना देंगे। तो इसलिए इन्होंने पहले से ही यहाँ पर लैंड एक्वायर करके रख लिया है NHI ने, और अच्छा खासा लैंड एक्वायर करके रखा है। ऐसा मत सोचना कि बहुत थोड़ा सा ही रखा हुआ है, ये पूरे एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा दोनों तरफ पैरेलल में। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये है NHI का नया प्लान, जहाँ पर वो आज के लिए एक्सप्रेसवे नहीं बना रहे, भविष्य के लिए एक्सप्रेसवे बना रहे, भविष्य के लिए रोड बना रहे। और भविष्य में उन्हें भी पता है और हमें और आपको भी पता है कि यहाँ पर लेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो भाई वहाँ पर आसानी से बनाया जा सके। इसी वजह से जो ज़मीन है, जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो अभी कर लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने देश में कंस्ट्रक्शन का काम करने में जो समय लगता है वो भूमि अधिग्रहण में ही लगता है। कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत आसान हो गई क्योंकि ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है कंस्ट्रक्शन कंपनियों के पास, जिससे बहुत ही कम वक्त में परियोजनाएँ बनकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये जो स्टेप है ना भाई NHI का, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लैंड एक्वायर कर लीजिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है भाई, सच बता रहा हूँ। और जैसे जैसे इस तरफ जाओगे तो हम और आप इस तरफ तो देख ही चुके हैं, पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरफ आगे आपको हेलीपैड भी दिख रहा होगा और साथ ही साथ आपको रोहिणी के सेक्टर्स भी दिख रहे हैं। तो ये था अपडेट दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं UER2 का, जिसका आज हमने और आपने जो कंस्ट्रक्शन का काम देखा है, सच में इसको देखकर मन प्रसन्न हो गया है। और नेक्स्ट मंथ फिर देखेंगे, और नेक्स्ट मंथ जो देखेंगे एक्चुअली इस पर ड्राइव भी कर लेंगे जी, क्योंकि तब तक ये सब बनकर तैयार हो जाएगा कंजावला रोड तक, और वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। कहा जा रहा है कि NH44 यानी कि अलीपुर से लेकर कंजावला रोड तक का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर अगर आपको जानना है तो भाई इस वीडियो के समाप्त होते ही आप मास्टर प्लान वाले इस पॉडकास्ट को देख सकते हो, जहाँ पर हमने डिटेल में इसके ऊपर बात करी है। और उस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी सवाल बचता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ईमेल कर देना भाई। चलो तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और अभी जाओ मत, वीडियो को शेयर भी तो कर दो ताकि सभी को पता चल सके कि दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाया गया जो एक्सप्रेसवे है जिसे कहते हैं UER2, उस पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान है वो भी भारत सरकार लेकर आ रही है, और ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये भी भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। और भारत सरकार आजकल ना बड़ी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, वो तो देखने को मिल ही रहा है भाई। तो चलो जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और परियोजना पर, किसी और नए अपडेट के साथ। अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।